इंडोनेशिया के जकार्ता में एक बड़ा विमान हादसा सामने आया है, जिसमें लॉयन एयर का विमान जकार्ता से उड़ान भरने के 13 मिनट बाद ही क्रैश हो गया। इस प्लेन में क्रू समेत कुल 188 लोग सवार थे। विमान के उड़ान भरने से 13 मिनट बाद ही इसका संपर्क टूट गया था, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इंडोनेशिया के आपदा प्रबंधन बोर्ड के प्रमुख सुपोतो पूर्वोनुग्रोहो ने ट्वीट कर कहा, कारावांग के समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए लॉयन एयर जेट 610 विमान के कई टुकड़े बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि ये विमान 2 महीने पहले ही लॉयन एयर को मिला था। विमान का संपर्क जिस समय टूटा, उस दौरान अचानक उसकी ऊंचाई में करीब 2000 फीट की कमी आई। विमान लापता होने के बाद से ही सर्च अभियान जारी है। सर्च अभियान में लगे दल को समुद्र में प्लेन का कुछ सामान भी मिला है। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए एनवी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।